नम सहर असलाम मेरा बिशा, आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत ज्यादा मुबारक, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे आपको सब्सक्राइब करने के लिए। अब मेरे को ना कभी कभी पता नहीं चल रहा क्या बोलना है, मुबारक बोल रही है, ये बोलना था कि आप सब मुझे मुबारक दे किस चीज की, किस ज्यादा करें सब्सक्राइब ज्यादा करें। आज की वीडियो लेकर इसमें हम देखने वाले हैं आर मुस्लिम्स कंट्रोल्ड बाय देयर मुल्लास। तो इसमें एक मुल्ला है जिसमें आपकी अदालत में वो जवाब देंगे, रजत शर्मा जी हैं उनको, और ऑडियंस जो है ना उनसे बड़े कठिन सवाल पूछने वाली है, बड़ा ही मजा आने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखना, और आपने हमारी दूसरी वीडियोस पे प्यार दिखाया, और अगर आपने ब्लॉग अभी तक नहीं देखा प्लीज जाके जरूर देखेगा, देखते हैं आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। हमारा देश आजाद हो चुका है पर मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन अभी भी आजाद नहीं है। आप लोग जो बोलते हैं उनको वही करना पड़ता है, सूर्य नमस्कार नहीं करना तो नहीं करेंगे, उसको वोट देना है तो उसको देना है, नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं है तो वो नहीं अच्छे हैं। आप लोग जो बोलते हैं वही वो आप सारे मुसलमान भाई बहन मानते हैं, उनको कब आज़ादी मिलेगी, कब वो अपने आप फैसला लेने के लिए आजाद होंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा उनको दबा कर रखते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। हम एक हिंदू होने के नाते या मुस्लिम होने के नाते मैं ये क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ, मेरे को देखिए, मैं सब्जी लेती हूँ मुसलमान भाई से लेती हूँ, कपड़े सिलवाती हूँ, टेलर मेरा मुस्लिम है, कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम में है कोई भी होना चाहिए। ऐसा कंट्रोवर्सी जो है या ऐसा जो कुछ भी होता है ये आप लोगों से शुरू होता है और जो आम आदमी उसका भुगतान करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। सर ये आज की डेट में हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो चुका है। एक ही सवाल, आप एक चंद्रमा को आप भी पूछते हैं, आप ईद का चांद मानते हैं ना, और हम भी हिंदू जो हैं बहनें करवा चौथ का चांद देखती हैं, देखते हैं ना, चांद तो एक ही है ना, चाहे वो हिंदुओं का भी फेस्टिवल, मुसलमान का भी, सब क्रिश्चियन का भी फेस्टिवल में होता है। तो कल को ये सिख और ईसाई भी कल को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये चांद हमारा नहीं है। फिर सर फिर आप क्या करेंगे, आप क्या ईद का चांद बदल देंगे, क्या सवाल पूछे हैं। देखिए आपने दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बातें कही हैं, उसके लिए नहीं, आप बहुत अच्छी टीचर हैं और बहुत अच्छी टीचर हैं, सबक अच्छा पढ़ाया आपने। देखिए एक बात आपने कही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है लोगों का आपस में जुड़ना, ये सारी चीज़ों से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि हम लोगों ने मुसलमानों को ग़ुलाम बना रखा है या दबा रखा है, आज़ादी नहीं मिली, तो हमारे यहाँ तो ये शिकायत है कि मुसलमान आगे चलते हैं और उनके लीडर पीछे चलते हैं। कोई भी आज की तारीख में दुनिया ऐसी बदल चुकी है, कोई किसी की बात मानने वाला नहीं है। इस भ्रांति को अपने दिल से निकाल दीजिए, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई किसी की बात ना सुनता है ना मानता है, सब अपनी मर्जी की करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ तक सवाल है चंद्रमा का, तो मुसलमान न चंद्रमा को न सूरज को न किसी चीज़ को न पूछता है न इबादत करता है न कर सकता है। वो सिर्फ चांद निकलने पर वो डेट मालूम होती है कि इस डेट आज चांद निकलेगा तो अगले दिन ईद होगी, चांद निकलेगा तो रोज़ा रखेंगे, वरना रोज़ा नहीं रख सकते, अलाउ नहीं है रोज़ा, रोज़े शुरू होने वाले हैं चार दिन के बाद, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम 18 को रोज़ा रखेंगे या 19 को रखेंगे। उनकी बात शायद यही मतलब था उनका, नहीं, कहने लेकिन का उसका मतलब इबादत नहीं है, नहीं उनका ये क्या इबादत की बात नहीं, उन्होंने जो उनका जो जिस्ट है वो ये कहना चाहती थी कि मुसलमान चांद को देख करके ईद तय करता है डेट के हिसाब से। इसी तरह से जो औरतें हैं महिलाएं हैं करवा चौथ के दिन चांद को देख करके वो तय करती हैं कि व्रत तोड़ना है, तो ये एक चीज कॉमन है दोनों में, अच्छी बात है, जो कॉमन मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, उसको कॉमन चीज मिल जाए, लेकिन हाँ ठीक बात है जी जी। आप देखिए ये ऐसे बीच में मत बोलिए, उसको अपनी बात कहने, ये बड़ा मतलब ये धार्मिक डिबेट होगी, हम सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, आपकी मान्यताओं का हम सम्मान करना चाहते हैं, आप हमारे अकीदे को
का सम्मान करिए, हम आपके अकीदे का सम्मान करें। और एक अनेकता में एकता की जो मिसाल हमारे देश भारत ने पूरी दुनिया को दिखाई है, इसको बाकी रखना है। अगर एकता ही एकता होगी और अनेकता मिट जाएगी तो फिर वो एकता भी बाकी नहीं रहेगी, याद रखिए। बाग 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 जो है, अगर सिर्फ गुलाब या गेंदे के फूलों का हो वो खूबसूरत नहीं होता। बाग वो खूबसूरत होता है जिसमें सब तरह के फूल हों। और ये हमारे देश को हासिल है, दुनिया में हमारा ही देश है, इसको बनाना। हम सब मिल करके अपनी अनेकता के साथ एकता को बनाएं और इस बाग को सजाएं और संवारें, और इसके लिए कुर्बानी देने का दिल में जज्बा रखें और बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ दें। जब एक जैसे लोग भी अगर एक जगह रहते हैं, उनमें झगड़े होते हैं, होते नहीं होते? मुसलमानों के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, हिंदुओं के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, सिखों के बीच में भी, कहीं ज़मीन का झगड़ा होता है, कहीं खाने पीने का झगड़ा होता है। तो अब वो तो झगड़ा ठीक, अगर हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा धर्म की वजह से हुआ है? धर्म की वजह से नहीं हुआ है, अधर्म की वजह से हुआ है, धर्म की वजह से नहीं। धर्म तो जोड़ने का काम करता है। इस धर्म का प्रयोग हम देश को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। आप अपने हिंदुत्व को का प्रयोग कीजिए देश को जोड़। हिंदू नाम किस चीज का है? करुणा का है। हिंदू नाम है दया का, गरीब को रास्ता दिखाने का। आप मुझसे पूछे इस्लाम किस चीज़ का नाम है? यही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा, ढूंढिए। तो हम अगर अपने धर्म को का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें जोड़ने के लिए, जो कि असल में आया ये इंसानियत और मानवता को जोड़ने के लिए, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तोड़ने के लिए, ऐसे लोगों से बचना है। मुसलमानों को भी बचना है और दूसरों को भी बचना है, और बचकर हमें एक एक, एक होकर अपने देश को बनाना है। सवाल जी, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने, एक भाई अच्छी बात उन्होंने कही है कि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी आप कंट्री उठा कर देख लेंगे ना, हम किसी भी कंट्री में इतने मजहब एक साथ नहीं रहते। सब मुल्कों में जहाँ पर भी आप जाएंगे ना, तो हर एक, एक अपने कंट्री में अपना अपना रिलीजन होता है। पाकिस्तान में यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा आपको दिखते हैं, आप बाहर की कंट्री में देख लेंगे वहाँ पे क्रिश्चियन आपको ज्यादा दिखेंगे। अब इंडिया है ना, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई हर बंदे को एक जैसे जो राइट्स होते हैं ना वो दिए जा रहे हैं, और ऐसी जिंदा मिसाल किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगी। तो उनका कहने का यही मतलब है कि वो लोग जो हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, हिंदुओं मुसलमानों में जो एक मतलब होता है ना क्लेश डालने की कोशिश करते हैं, उसको हमें दूर करना है। हमें ये करना है कि आपस में जो भी हमारे झगड़े होते हैं उनको बुलाकर हमें आपस में एकजुट बनकर रहना है। जैसे कि एक जिंदा मिसाल इंडिया है, वो एकजुट बनकर रह रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने उनमें वो इख्तलाफात, जैसे कि वहाँ के पॉलिटिशियंस है, खासतौर पे मौलवी भी ऐसे हैं, ये जो है इन्होंने तो बहुत अच्छी बात किया, लेकिन बहुत ज्यादा मौलवी भी ऐसे होते हैं जिन्होंने ये साजिशें रचाई हुई हैं। और इन्होंने एक बात कही शुरू में कि जो मुसलमान होते हैं ना वो, या फिर कोई भी होता है, वो कोई किसी की बात आजकल नहीं मानता, लेकिन बहुत ज्यादा मुस्लिम मर्द जो होते हैं ना वो मौलवियों की बात मानते हैं। वो उनके फायदे की जब बात करते हैं ना, तो जिसमें इंसान को अपना फायदा दिखता है ना, तो वो इंसान वो बात जरूर उस बंदे की मानेगा। मुझे फायदा किसी चीज में दिख रहा है ना, तो मैं भी उस बंदे के पीछे लग जाऊंगी, हाँ यार मेरा माइंड जिस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो मुसलमान मर्द होते हैं ना, इनको जब ये मौलवी लोग बताते हैं कि हमें 72 पूरे मिलेंगी, हमें ये होगा, हमें वो होगा, तो इस तरह की जब वो बातें करते हैं ना, तो इनके मन में एक लालच डाल देते हैं मौलवी जो होते हैं। तो फिर इस लालच की वजह से वो जो उनको बात कहते हैं ना, तो मौलवियों की बात ये मर्द खास तौर पे, और लेडीज भी बहुत ज्यादा मैंने देखे हैं उनके, वो ना उन्होंने अपना अपना एक पीर रखा हुआ है कि उस पीर की वो बात मानते हैं ना। मैं ऐसा ही है ना, सब लोगों ने अपना अपना एक पीर, जैसे मौलवी समझ ले पीर एक होता है, तो उसको उसकी मतलब कुछ भी होगा ना, उसको जाकर पूछेंगे हमारी ये प्रॉब्लम होगी अब हम क्या करें, तो वो बताएगा तुम ये करो। तो मतलब उसके कहने पर चलना, ये नहीं करते कि खुद से कोशिश करें, दिमाग करना है, अपनी मुश्किल को हल करने की कोशिश करें। तो जब लोग उनके पीछे लगते हैं, तो फिर वो ये वो लोग ऐसे लोग जो आपके दिमागों में जहर भर देते हैं कि वो हिंदू है तो उसको काट दो, हमारा मजहब ये कहता है कि तुम जो है ना किसी और मजहब की रिस्पेक्ट ना करो, और बस ना उनको उड़ा दो, फिर हमें जन्नत मिल जाएगी, हमें 72 हूरें मिल जाएंगी।
इनको ये नहीं पता कि 72 हो रहे हैं, 72 वहाँ पे डंडे मिलेंगे, वहाँ पे जाके इनको डंडे इतने पड़ेंगे कि ये जहाँ पड़ेंगे वहाँ पड़ेंगे। सही बात है, ऐसे लोग जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, और वो लोग जो मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करें, जिसको आपको लगता है कि हाँ बंदा ये सही बात कर रहा है, उसकी बात को फॉलो भी करो। फॉलो क्या, उस बात बंदे की बात को सुनो, लेकिन मानो वही जो आपका दिल करता है, जो आपका दिल इजाजत देता है, हाँ यार ये बात सही है, तो वो चीज माननी चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो, और मौलवी साहब ने अच्छी बातें की हैं कि हमें एकता को बढ़ाना है, बढ़ावा देना है, ना कि जो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं ऐसी चीजों से। हमें मुसलमानों को भी दूर रहना है, और हिंदुओं को, जो भी दूसरे मजहब के, हम सबको दूर रहना है। यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताना। और महिलाएं ने बहुत अच्छे सवाल यहाँ पे पूछे थे, तो कुछ मौलवी ऐसे होते हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, जो कि मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।